पंजाब सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी दफातर में मास्क के बगैर दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। सरकारी दफातर में मास्क के बगैर दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। मास्क के बगैर सरकारी दफातर में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। इलामिये में सरकारी महकमों को नो मास्क नो एंट्री के बैनर आवेजा करने की हिदायत की गई है। जाने पंजाब और सिंध के सरकारी दफातर में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। पंजाब हुकूमत के जारी करदा बरासले के मुताबिक तमाम सरकारी मुलाजमीन और ऑफिसर फेस मास्क लाजमी पहनेंगे। इसी तरह सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए सरकारी दफातर में फेस मास्क हैंड वॉश और सैनिटाइजर्स को लाजमी करार दे दिया है, जबकि आवाम पर सरकारी दफातर में आने पर पाबंदी लगा दी गई। लोगों को किसी महकमे में काम है तो वो ऑनलाइन पोर्टल पर या मेल के जरिए रब्ता करेंगे। हर महकमे में एक चौथाई मुलाजमीन को दफातर आने का कहा गया है और जो भी एसओपी के खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ रूल्स के तहत कार्रवाई की जाएगी।